सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी प्रतिदिन कुछ नया नया सीख सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 के अंतर्गत आरक्षक जीडी लिखित परीक्षा दिनांक 8 जुलाई 2018 का मॉडल उत्तर। आज हमने जो यह प्रश्न पत्र लिया है यह है सेट डी। पहला प्रश्न है यहाँ पर -3 to the power 4, ये मैथ्स का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 81। यहाँ -81 और +81 में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी भी संख्या का जो पावर है वो सम संख्या होता है तो उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा, और यदि ये पावर विषम होगा तो उसका जो उत्तर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो इस केस में ये होगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। तीसरा प्रश्न है, हेक्टेयर किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जो है हेक्टेयर से मापा जाता है। चौथा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, श्याम ने एक कूलर 10% कर सहित 3,080 रुपये में खरीदा, कर जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ अपन ऑप्शन से प्रश्न पर जा सकते हैं। तो जैसे ये बोल रहा है कि श्याम ने जो कूलर खरीदा उसमें 10% कर सहित उसका मूल्य था 3,080 रुपये। तो देखते हैं 2700 का 10% निकाल कर इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। 2700 का 10% होता है 270 रुपये। तो 270 रुपये यदि 2700 में जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 2970 रुपये। तो ये 3,080 के आंकड़े पर नहीं पहुँचा, इसका मतलब ये है गलत। अब दूसरे को ट्राई करते हैं, 2,080 रुपये का यदि हम 10% निकालते हैं तो 280 रुपये बनता है, जिसे 2,800 में जोड़ने पर 3,080 आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि घन के प्रत्येक कोर को चौगुना कर दिया जाए तो घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 64 गुना। यदि घन के प्रत्येक कोर को यदि हम चौगुना करते हैं तो इसका जो आयतन है वो भी 64 गुना बढ़ जाएगा। छठवां प्रश्न है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सातवां प्रश्न है, नाचा के भीष्म पितामह के रूप में कौन विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर है सी दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी नाचा के भीष्म पितामह के रूप में विख्यात हैं। तीजन भाई पंडवानी के लिए विख्यात हैं। झाड़ू राम देवांगन ये भी पंडवानी के लिए विख्यात हैं। और हबीब तनवीर जो हैं लोक कला मंच के लिए विख्यात हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों दूरी की। इसका सही उत्तर ए होगा। छत्तीसगढ़ के रत्न इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए श्रीहरि ठाकुर। श्रीहरि ठाकुर जो है छत्तीसगढ़ के रत्न के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है सी लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 11वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और यदि हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया था या किसे प्रदान किया गया था? 12वां प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा डी श्री श्यामलाल चतुर्वेदी को 2018 में छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 13वां प्रश्न मैथ्स से है, एक थैले में 3 लाल 5 सफ़ेद और 8 काली गेंदें हैं, उनमें से एक लाल गेंद निकालने की संभावना क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 3/16।
प्रश्न क्रमांक 14 भी मैथ्स से है। सोहन एक कैलकुलेटर 350 रुपये में खरीद कर 420 रुपये में साधना को बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20%। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य। तो इससे जो है आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार गरियाबंद जिले में निवास करती है। गरियाबंद जिला जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है, फिर दाई मुड़ जाती है, दाई की ओर मुड़ती है, तथा अंत में फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है? तो यह क्या होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में स्थित है उसका स्कूल जो है घर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है बी, 1904। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 18 है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है रामानुज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चक्रधर समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायगढ़। चक्रधर समारोह रायगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है, एक गणेश चतुर्थी के समय आयोजित किया जाता है। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि छात्रावास में 100 छात्र और आ गए तो खाद्य सामग्री जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? 21वें प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा ए, क्रिकेट से। इसको सभी जानते होंगे, विराट कोहली का संबंध है क्रिकेट से। 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है छत्तीसगढ़ में। 23वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय संकिनी डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा संकिनी डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संदूषित पानी ग्रहण करने से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, डायरिया। 26वां प्रश्न है, सामरी क्षेत्र जिला बलरामपुर किस खनिज की उपलब्धता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। सामरी क्षेत्र जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है, यह बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाली निम्न विधियों में से कौन सा घर के अंदर वायु प्रदूषण के लिए है? तो पहला है बायोगैस, दूसरा ईंधन की लकड़ी, सौर कुकर, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लकड़ी की, ईंधन की लकड़ी। तो लकड़ी से जो है प्रदूषण हो सकता है घर के अंदर, बायोगैस और LPG और सौर कुकर से नहीं होता। दुधावा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? 28वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा महानदी पर। दुधवा जलाशय महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम खोज गांव जहां मां खल्लारी का मंदिर स्थित है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है डी, महासमुंद। महासमुंद के अंदर में आता है भीम खोज गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बादल खोल। बादल खोल अभयारण्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि जसपुर जिले में स्थित है।
कमला रमेश से 9 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बाद कमला की आयु रमेश की आयु की दोगुनी हो जाएगी, कमला की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 12 वर्ष। इसके डीप में नहीं जाएंगे अभी। गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ पर मतलब किस मानसून से होती है? 33 का होगा इसका आंसर होगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फिल्म न्यूटन में न्यूटन का किरदार किसने निभाया था? तो इसका सही उत्तर है डी, राजकुमार राव। राजकुमार राव ने न्यूटन फिल्म में न्यूटन का किरदार निभाया था। यह फिल्म छत्तीसगढ़ के बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर आधारित थी। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। भारत में आयुष्मान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्वास्थ्य। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। औद्योगिक क्षेत्र में सिरगिट्टी किस जिले में स्थित है? औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग यदि 35 है एवं दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है, वे संख्याएं कौन सी होंगी? तो इसका सही उत्तर है बी, 7 और 28। अप्रयुक्त खेत की भूमि, सड़क और रेल ट्रैक के पास वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, सामाजिक वानिकी। जिस खेत में खेती नहीं होती है वह भूमि और सड़क रेल ट्रैक आदि के पास वृक्षारोपण को सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। गुरु घासीदास का जन्म स्थल गिरौदपुरी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, बलौदा बाजार भाटापारा। गुरु घासीदास का जन्म स्थल गिरौदपुरी जो है बलौदा बाजार भाटापारा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 3/5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका उत्तर है बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें दिया हुआ है 5, 7, 11, 13, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही उत्तर होगा 17। 5+2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में फिर अगर 4 जोड़ते हैं तो 17 आएगा। इस तरह से 2 और 4 के डिफरेंस में यह सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, एक बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसका सही उत्तर है 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का कुल योग होता है 180 अंश, तो इसलिए समबाहु का अर्थ है तीनों कोण का बराबर होना, और तीनों कोण को यदि बराबर कर दिया जाए तो 60 डिग्री का होगा, इसलिए प्रत्येक कोण होगा 60 अंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अग्निशामक यंत्र में यह गैस आग बुझाने के काम आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक यंत्र में गैस आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है।
पुराने और हटाए गए कंप्यूटर, सीडी, म्यूजिक प्लेयर, टीवी सेट और मोबाइल हैंडसेट खाली स्थान अपशिष्ट कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरा का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो पुराने और हटाए गए कंप्यूटर, सीडी, म्यूजिक प्लेयर, टीवी सेट, मोबाइल हैंडसेट इत्यादि जो है ई कचरा के अंतर्गत आते हैं। 50वां प्रश्न है, यहाँ पर बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जिलों की संख्या सर्वाधिक है बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। इसके बाद जितने भी बाकी संभाग हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, इन सभी में 5-5 जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग हुआ अपना बस्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित विद्युत का सुचालक नहीं है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कांच। कांच विद्युत का सुचालक नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें जो पीतल, तांबा और ग्रेफाइट हैं, ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैनपाट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान NIS किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, पटियाला। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये पटियाला में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नायलॉन। नायलॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये कृत्रिम है, इसको बनाया जाता है। बाकी जो कपास है, जूट है और ऊन है, ये तीनों चीज़ें प्राकृतिक रेशा हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा पदार्थ पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन रक्त में होता है और जाइलम जो है जाइलम जो है पौधों में पानी के परिवहन को का कार्य करता है जाइलम। दो वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि अब एक बच्चा पैदा होने पर भी औसत वही हो तो बच्चे की आयु कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के रक्षा मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री भी हैं। वन भैंसे के लिए विख्यात अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उदंती अभ्यारण्य। उदंती जो है वन भैंसे के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, वन भैंसे के लिए विख्यात अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, उज्ज्वला योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन ए, गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में गैस सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे पानी का प्रतिशत 20% हो जाए? तो इसका सही उत्तर होगा 4 लीटर। अब इस 4 लीटर को कैसे निकालना है, इसको आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पूछा गया है कि पानी का प्रतिशत कितना और मिलाना पड़ेगा, है ना, 20% पहुँचाने के लिए, तो 15% और 20% का अंतर है 5% का। तो सीधा सीधा 80 लीटर का 5% निकाल लेंगे, वही उत्तर होगा। तो 80 लीटर का 5% होगा 4 लीटर, तो इसलिए 4 उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का SI मात्रक जो है जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, बैगा आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य
कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिल्मा, बैगा आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है बिल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 2000 रुपये का 24% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है 960 रुपये। इसको निकालने का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यहाँ मूलधन है 2000 रुपये, दर है 24% और समय है 2। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सांसदों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 11। छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। विधानसभा के 90 90 सीटें हैं यहाँ पे, और एक मनोनीत किया जाता है। और यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। विश्रामपुर कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो विश्रामपुर कोयला खदान जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। सूरजपुर आता है उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा संभाग के अंतर्गत। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यह है तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है, और ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। बेंजामिन नेतन्याहू किस राज्य के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सी, महानदी पर। महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुकमा। छत्तीसगढ़ का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है सुकमा। विकास खंडों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नारायणपुर। नारायणपुर जिले में सबसे कम विकास खंड है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है, बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है, और ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसको चुना गया? इसका सही उत्तर है श्रीदेवी। श्रीदेवी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, इन्हें 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में माना जाता है। सामत सरना का शिव मंदिर किस पुरातात्विक पर्यटन के लिए पर्यटन स्थल की पहचान है? तो इसका सही उत्तर है डी, राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग उत्पन्न करने में प्रोटोजोआ की भूमिका होती है। सेंधमुड़ा क्षेत्र जिला गरियाबंद किस खनिज की उपलब्धता के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंड्राइट। अलेक्जेंड्राइट के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है सेंधमुड़ा क्षेत्र। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है श्री वल्लभ भाई पटेल। श्री वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। रियासतों के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से सरगुजा संभाग से कर्क रेखा गुजरती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज का इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 154 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। श्वास लेने के पश्चात कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास लेने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है 89, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया? तो इसका सही उत्तर है परल कोट विद्रोह। गेंद सिंह ने परल कोट विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो इसका सही उत्तर है 91 का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, तीनों सेनाओं के, तीनों शाखाओं के, जल थल और वायु। कॉमनवेल्थ गेम 2018 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें रहा भारत के स्थान तीसरा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। 93 का आंसर होगा बी, निर्वात में। निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8.100, 8/100। तो इसका उत्तर कैसे निकालते हैं, जैसे जहाँ दशमलव है वहाँ एक लिख देंगे और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसके जगह पे जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8/100। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेनिस। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भेड़ाघाट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि 4 घंटे काम करने पर 32 रुपये मजदूरी मिलती है तो 7 घंटे काम करने पर कितनी मजदूरी मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है 56 रुपये। 1 घंटे का निकाल लेंगे पहले, तो 1 घंटे का हो जाएगा 8 रुपये, तो 7 घंटे का कितना होगा? 56 रुपये। बीटी बीज का संबंध है, इसका सही उत्तर है सी, कपास से। बीटी जो बीज किस्म है वो कपास की बीज किस्म है। गणेश जी की विशाल प्रतिमा किस पर्यटन स्थल का मुख्य आकर्षण है? तो इसका सही उत्तर होगा बारासूर। बारासूर में गणेश जी की विशाल प्रतिमा है पहाड़ के ऊपर। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य कौन करता है इनमें से? ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है किडनी और डी है आमाशय। इसका उत्तर आपको देना है, नीचे कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद। ये संपूर्ण मॉडल उत्तर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा जो मॉडल उत्तर जारी किया गया है उसके आधार पर बताया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।